हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 5। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 5। अब तक हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट चैप्टर। मूविंग फर्दर, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 5, दैट इज डेटा हैंडलिंग। सो डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? जब हमारे पास बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसको वी से डेटा। सो एज यू विल मूव इन द चैप्टर, देन यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट। हैंडलिंग मींस वही जो हमने कहा, जब हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो हाउ डू वी हैंडल, मींस हाउ डू वी डिफरेंशिएट, क्योंकि जो वैल्यूज है वो हमारी एक चीज की नहीं है, नंबर ऑफ थिंग्स की है। तो एज वी विल मूव इन द चैप्टर यू विल कम टू नो। सो टूडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यू हैव लर्नड इन योर 7th क्लास, आप लोगों ने करा है। इनकेस अगर आप भूल गए, उसी को आज हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए वी विल मूव फर्दर इन दिस सेशन एज वेल एज विद द चैप्टर। सो लाइक व्हेन वी हैव सम इंफॉर्मेशन, जैसे ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ में व्हाट वी कम अक्रॉस, नंबर ऑफ थिंग्स, और ये जो थिंग्स मीन्स वी कम अक्रॉस विद नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक इंफॉर्मेशन कैसी, जैसे एक बहुत सिंपल है, यू लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच, तो समथिंग लाइक दिस, रन्स मेड बाय अ बैट्समैन एटलीस्ट इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच। तो ये जो आपका, जब जैसे अगर किसी बैट्समैन का आप न्यूज़पेपर में या न्यूज में भी, यू मस्ट बी लिसनिंग कि उसकी जो परफॉर्मेंस है इज गेटिंग अप या गेटिंग डाउन, कि ये पहले बहुत अच्छा खेलता था अब नहीं खेल रहा है, या पहले इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था अब खेल रहा है। तो हाउ डू वी कम टू दिस कंक्लूजन, व्हेन वी हैव अ डेटा, हम जब उसके लास्ट 5 टेस्ट मैच, 10 टेस्ट मैच, ये कितने मैच खेले, उसमें क्या क्या बनाया, तो कब कौन सा मैच खेला, एंड हाउ मेनी रन्स डज दैट बैट्समैन हैज मेड, ये क्या होता है, वी कीप ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन रखने का मीन्स वी कीप दैट डेटा। नेक्स्ट इज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन टेस्ट। जैसे स्कूल में होता है, तो आपके क्या हुआ है, एक तो सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स रहते हैं, सो यू जस्ट थिंक अबाउट, आपकी एक टीचर टेक्स नंबर ऑफ क्लासेस, वो अलग अलग क्लास में जाके एंड कितने सारे बच्चों को पढ़ाती है। सपोज कोई टीचर 25 स्टूडेंट्स को 5-6 सेक्शंस में पढ़ाती है, तो हर बच्चे का कितने मार्क्स आए, कौन से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई नहीं हुई, हाउ डज द टीचर इज एबल टू टेल, बिकॉज टीचर कीप्स द डेटा ऑफ योर मार्क्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय योर फ्रेंड्स। सपोज अगर आप कर रहे हो, तो आप कहते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ता है, तो हाउ डू यू कम टू नो अबाउट डेट, कि आपको मालूम है कि लास्ट मंथ जब मैंने बात कर रही थी उसने कहा मैं 3 बुक्स पढ़ चुका हूं, अब कह रहा है ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड 1, आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड। तो व्हेन यू कंपेयर विद द प्रीवियस थिंग, तो यू नो उसकी रीडिंग हैबिट है, क्योंकि टाइम टू टाइम यू आर गेटिंग द डेटा कि हाउ मेनी बुक्स दैट चाइल्ड इज रीडिंग। सो ऑल दिस, और ये एक नहीं है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे रेनफॉल के हमारी इस बार रेनफॉल कम हुई, या 5 साल में सबसे ज्यादा ठंड आज की डेट में पड़ रही है, हाउ डू वी डू, बिकॉज वी हैव प्रीवियस डेटा। सो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो डेटा मीन्स क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। सो All these data क्या होता है, if we write down in language के first year in tooth या first year में इतने students थे उनका ये score रहा, तो and second year में इतने students थे इतना score रहा, if we keep on writing then we need number of these copies to write it down, और फिर हमको क्या होगा, हम 5-6 खोल कर बैठेंगे, पेजेस अल्टेंगे पलटेंगे, देन वी विल कम टू नो द डिफरेंस इफ देयर इज अ इम्प्रूवमेंट या इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन एनीथिंग। तो उसको व्हाट वी डू, वी पुट इन ग्राफ्स। तो ग्राफ्स तो यू हैव ऑलरेडी लर्न कि ग्राफ्स हमने 3 टाइप्स के सीखे हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ।
सो दीज आर तो एनी इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ्स. नाउ दिस इज अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में क्या है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे देखते ही आपको पता चल रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट कार. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार. सो पिक्टोग्राफ में व्हाट वी डू, वी सिंबलाइज. अब आपको याद आया ना, सेवेंथ में यू हैव डन द सेम थिंग कि हमने एक कार की पिक्चर रखी एंड देन हम एक उसका इंडेक्स दे रहे हैं कि वन कार रिप्रेजेंट्स 100 कार्स. मीन्स अगर एक कार की पिक्चर देख रहे हैं, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 100 कार्स. दूसरे हमने कार की पिक्चर देखी, दिस मीन्स वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट 100 कार्स. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाफ ऑफ द पिक्चर ऑफ द कार. तो हाफ जो है दैट रिप्रेजेंट्स 50. 100 का हाफ कितना हुआ? 50. तो अगर हम कहें इन जुलाई मंथ हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड, तो इमीडिएटली यू कैन से 100 प्लस 100 200 प्लस 50 250. तो 250 कार्स वर सोल्ड. जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो हाफ है डेट रिप्रेजेंट हाफ ऑफ 100. हाफ ऑफ 100. नाउ इन अगस्त मंथ इमीडिएटली यू कैन टेल कितनी कार्स सेल आउट हुई. यस, 100 प्लस 100 प्लस 100 दिस कम्स आउट टू बी 300. सो टेक द चैलेंज इन सेप्टेम्बर, जल्दी से कैलकुलेट करें हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड. आ गया ना आंसर? 400, है ना? कैन वी से 400? यस, क्योंकि 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400. सो 400 कार्स वर सोल्ड. तो दिस इज पिक्टोग्राफ कि वी पुट अ पिक्चर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू मेक अ इंडेक्स कि वन कार इज इक्वल टू 100 कार्स. ठीक है, तो पिक्टोग्राफ में वी यूज दिस इंडेक्स. नेक्स्ट, इन जुलाई कैन यू टेल हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इफ यू लुक एट दिस पिक्टोग्राफ? यस, दिस इज 250 और ये हम पहले ही कर चुके हैं सितंबर में, देयर आर 400. तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, तो बेस्ड ऑन दिस पिक्टोग्राफ कैन वी आंसर दीज क्वेश्चंस? व्हाट डू यू थिंक, दे सकते हैं या नहीं? हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई? तो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो 250 कार्स. लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो इट इज गुड कि यू राइट इट इन कंप्लीट सेंटेंस कि 250 कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो यू जस्ट, तो बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका मेन मैथ्स में वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वैल्यूज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स, हाउ विल यू गिव द आंसर? आप काउंट देखेंगे, जुलाई में 250 है, अगस्त में 300 है, सितंबर में 400 है. तो इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वर प्रोड्यूस? इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो हाउ विल यू राइट द आंसर? इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. आई हैव रिटन इन शॉर्ट, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी चाहिए एंड देन यू विल कंटिन्यू. सेप्टेम्बर के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वर प्रोड्यूस्ड. क्लियर? नेक्स्ट, बार ग्राफ. ये जो अब हम एक और ये हमने क्या देखा था, पिक्टोग्राफ, मूविंग टू बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या है? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विद देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज. सो ये व्हाई आई एम रीडिंग दिस, तो इस पर ध्यान दीजिए कि उनकी जो हाइट्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज.
कि इनकी हाई टेल्स अस अबाउट द वैल्यू. तो हमारे पास जैसे ये है, यहाँ पे यू नो कि जब भी हम ऐसे कोई ग्राफ बनाते हैं तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे एकेडमिक ईयर्स दे रखे हैं कि हमारा क्या 2003 टू 4, 2004 टू 5, 2005 टू 6 एंड इन दिस वे. एंड देन यहां पे हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए. तो यू हैव टू रिमेम्बर के व्हेन यू आर पुटिंग डाउन द वैल्यूज, आपने वैल्यू क्या पुट करी है, यू हैव टू राइट डाउन हियर. सो अब ये आपने जैसे ही आपने ये ग्राफ देखा, तो इफ आई आस्क यू कैन यू टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन 2005 एंड 6, तो यू विल सी द हाइट, यू विल मैच डाउन द हाइट. और इसके लिए क्या करते हैं, टू मैच डाउन हम एक स्केल ले लेते हैं एंड देन हमने अगर ये वाली ईयर का चेक करना है तो हम स्केल से ऐसे अलाइन करके देखते हैं वो किस नंबर के साथ मिल रहा है. तो बिकॉज अगर हमारे ग्राफ लंबे हो रहे हैं देन स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट द राइट वैल्यू. तो इफ आई वॉन्ट टू टेक द वैल्यू ऑफ दिस, आई विल पुट द स्केल एंड आई कैन से देयर वर 250 स्टूडेंट्स. हुआ या नहीं हुआ? तो इन दिस वे यू कैन गिव एनी इंफॉर्मेशन. आपको लिखकर जो लिखा हुआ है उसके पेजेस फ्लिप आउट करने का देयर इज नो नीड. नाउ ये जो अब जैसे आपको बता रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी. तो आपने हाइट से अलाइन करा एंड यू कैन गिव द आंसर. एंड बार ऑस इक्वल विथ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन. तो बार ग्राफ का दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए इसकी जो विथ है, द विथ इज सेम. ये सेम कैसे करते हैं आपको मैं दिखाऊंगी कि हाउ वी ड्रॉ विद द यूज ऑफ ग्राफ पेपर. एज वेल एज हमें क्या करना है कि इन दो के बीच का जो गैप है दैट शुड बी वेरी यूनिफॉर्म. ये नहीं कि आपका एक आपका बार ऐसे आया एक उसके पास एंड देन दिस, दिस इज द रॉन्ग वे, एब्सोल्यूटली रॉन्ग. इन दोनों के बीच का जो आपके बार्स हैं, द डिस्टेंस शुड रिमेन सेम. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेस्ड ऑन दिस कैन यू गिव द आंसर्स, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. तो इस बार ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है, तो हाउ विल यू राइट द आंसर कि द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ is of the number of students in a particular academic year. In which year is the increase in the number of students maximum? कौन से year में सबसे ज्यादा बच्चे increase हुए हैं? तो देखिए आप, तो एक तो हमें अभी they are just asking for the year, they are not asking how many students have taken the new admission. तो हमें ऐसे पर्टिकुलर काउंट करने की नीड नहीं है. तो वी कैन सी यहां पे दिस इज द इंक्रीज, लेकिन अगर हम यहां से लें ओनली दिस पार्ट इज द इंक्रीज. इफ वी टेक दिस, दिस इज द इंक्रीज एंड इफ वी टेक दिस, दिस इज द इंक्रीज. तो ये जो मैंने साइन बनाया है कहां मैक्सिमम लग रहा है, इन दिस ईयर. So in which year is the increase in the number of students maximum? So in the year 2004 and 5. In which year is the number of students maximum? Now they are saying in which year the number of students maximum? सबसे ज्यादा बच्चे कौन से year में है? तो आपने height से आपको पता चल गया, जो सबसे tall आपको graph दिखाई दे रहा है that will be the answer in the year of 2007 and 8. So in by looking at it immediately you can give the answer. Now double bar graph. Double bar graph kya hota hai? It is very similar to bar graph, lekin in that we take two values. Aap dekh rahe hain humne bar graph banaya hai, one without shade and the other with the shade. See here, this is the index. Okay, without shade is representing 2005 and 6
and shaded part is representing 2006 and 7. So now if we want to do the comparison, ke math subject mein 2005-6 mein bachcho ka how was the performance and in 2006 and 7 how was the performance. तो हमने दोनों को बिकॉज वी आर टेकिंग वन कॉमन सब्जेक्ट विद टू डिफरेंट ईयर्स, तो इस वे में हमने इंडेक्स बनाया एंड वी हैव मेड द डबल बार ग्राफ एंड बेस्ड ऑन दिस अगेन यू कैन गिव द आंसर्स. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? द इंफॉर्मेशन गिवन इज के मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स in the year 2005 or 6 and 2006 and 7. In which subject has the performance improved the most? So again, aapne jaise in do graph ko aap compare karenge, to see this is the big difference aur hume kahi difference nahi mil raha. So in which subject maths mein humne dekha ke 2005-6 se aur 2006-7 mein bahut bada hume वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला. इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस हैज डिटेरियोरेटेड? तो जहां आप ये जो डार्क वाला है क्योंकि बाद ईयर का है, हर जगह आप इंक्रीज देख रहे हैं, बट हियर इट इज कमिंग डाउन. तो इन इंग्लिश, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इज एट पार, मीन्स सेम रही, नो इम्प्रूवमेंट नो डिटेरियोरेशन, देन इट इज इन हिंदी. Now, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन. ये है आपको नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन डिफरेंट मंथ. तो ऐसे आप ये देखें, आप अगर एक ग्राफ कॉपी लेंगे, यू आर गोइंग टू सी सच टाइप ऑफ पेजेस. तो इसमें आप क्या करेंगे, यू विल टेक द स्केल, और स्केल से आप एक्स एंड वाई एक्सेस बनाएंगे. ऐसे आपने एक्स एक्सेस और स्केल को टर्न करके आप वाई एक्सेस बनाएंगे. ये आपकी x और y एक्सेस बन गई. यहां पे आप मंथ्स लिखेंगे और यहां पे आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड. तो y एक्सेस पे आप यहां पे हम लोग कॉपी टेढ़ी करके ऐसे अलाइन करके लिख लेते हैं, लेकिन y एक्सेस पे क्या है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड. तो यहां पे है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड. और फिर अगेन यहां पे आपके मंथ्स जाएंगे, तो ये आपका जुलाई आ गया. आई एम राइटिंग जे एंड देन, क्योंकि ये हमारा बार ग्राफ है तो हमें ये दो कॉलम चाहिए होंगे, तो उसका एक कॉलम यहां पे छोड़ के This is I am writing A for August. तो हमें दो बार्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बार ग्राफ बनाना है. एंड देन यहां पे ऐसे जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर वी आर गोइंग टू फिल, और यहां पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज लिखेंगे. जैसे हम देख रहे हैं इफ वी टेक द 500 का डिफरेंस, तो ये 500 एंड देन 1000, then this becomes 1500 और ये आपका आ गया 1500 और ये आपका आ जाएगा 2000. तो इस वे में आप फिल कर देंगे अपना. नाउ जुलाई में 1000 सेल हुई, तो व्हाट यू विल डू, इस टाइप से आपने बार बना दिया. देन अगस्त में 1500
तो एक ब्लॉक छोड़ के आपने ऐसे बना दिया। इस वे में यू कैन कंप्लीट द बार ग्राफ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, दैट इज बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर। टेक केयर, बाय।